नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो भी हमारे सो कॉल्ड साइंस के भक्त हैं, जिन्हें लगता है कि साइंस ही सब कुछ है और कोई भी पारलौकिक चीज़ें नहीं होती, कोई भी आत्मा वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होते, वो शायद भगवान को भी नहीं मानते होंगे। पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे श्री कृष्ण जी ने सिद्ध किया है कि साइंस के वही रचयिता हैं जिसको लोग साइंस कहते हैं, डिस्कवरी कहते हैं। अक्सर लोग बहसबाजी करते हैं कि भाई दुनिया तो चांद पे पहुंच गई और ये तो अभी भी भूत प्रेत वगैरह की बातें बता रहा है, कितना अंधविश्वास है भाई इस दुनिया में, कितना ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। तो उन बेवकूफ़ों के जो दिमाग के पर्दे खोलने के लिए, उनको सही राह पिलाने के लिए, उनको आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। शायद उनकी को थोड़ी सद्बुद्धि मिले, जब वो ईश्वर के ज्ञान को समझेंगे तब शायद उन्हें सद्बुद्धि मिले। अगर नहीं मिलती तो खैर भगवान ही उनका मालिक है। तो बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये सीन आता है अक्सर जो है श्री कृष्ण जी की लीलाओं में, ये एक जो है वाक्य होता है, एक सीन होता है जिसमें होता क्या है कि जो उनकी मदर होती हैं श्री कृष्ण की, बाल अवस्था की बात है, वो नहाने गई होती हैं और जो है जब नहाने जाती है तो अपने बच्चे को, लल्ला को यानी कि श्री कृष्ण जी को, बिठा देती हैं वहीं पर नदी के किनारे, वहीं पे कहीं तट वगैरह पे, वहाँ मिट्टी में, कि भई तुम इतने बैठो, इतने मैं नहा के आती हूँ। जैसे ही वो वहाँ पे बैठे होते हैं, इधर मैया तो उधर नहा रही होती है, वो वहाँ पे अकेले बैठे होते हैं बाल रूप में श्री कृष्ण। अब वो भगवान हैं ये बात तो भले ही उनकी मैया को नहीं पता या जग को नहीं पता, पर पृथ्वी माता को ये बात पता होती है। तो पृथ्वी माता उनको, उनके सामने प्रकट हो जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि भई मैं बहुत खुश हूँ आज, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने मेरी इस पृथ्वी पे कदम रखा, इस पे आपके श्री चरण पड़े, क्योंकि जब से आपका जन्म हुआ है, या तो आप पालने में हो या फिर आप अपने महल में हो, आज आपने मेरी मिट्टी पे अपने श्री चरण रखे हैं तो मैं तो धन्य हो गई। तब भगवान उन्हें अपने दर्शन देते हैं श्री कृष्ण जी, उन्हें कहते हैं कि तुमसे बड़ी क्षमाशील, तुमसे बड़ी बड़े दिल वाली जो है देवी और कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि तुम्हारी जो धरती है इस पे पुण्य आत्मा के लोग भी पैर रखते हैं और पापी और दुष्ट भी पैर रखते हैं। लोग, अच्छी आत्मा वाले लोग पुण्य के फूल भी खिलाते हैं और बुरे आत्मा वाले लोग, गंदे लोग, लोगों को मार के उनका लहू भी, यूँ कह लीजिए, इस धरती पर ही गिराते हैं। तो तुम दोनों को ही, यूँ कह लीजिए, बर्दाश्त करती हो, अच्छों को भी अलाउ करती हो, बुरों को भी, कि वो आपकी धरती का इस्तेमाल करें, आपका सीना फाड़ के वो जो है किसान है, अनाज बोता है, हर तरीके से आप हर इंसान की हर मनमानी को सहती हो और किसी को भी दंड नहीं देती, किसी को भी तंग नहीं करती, और ऐसा सदियों से चला आ रहा है, तो आपसे बड़ी उदार दिल कौन होगी। तो उनका ये जो है वार्तालाप हो जाता है, तो वो प्रणाम करती हैं उन्हें, तो कहती हैं कि मेरे पास तो कोई भी तरीके का आपको देने को कुछ भी नहीं है, मैं तो सिवाय मिट्टी और कंकड़ के मैं क्या दूँ आपको, क्योंकि मैं पृथ्वी हूँ, मेरे पास सिर्फ यही है। तो वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारा उदार दिल है कि यहाँ पे पापी भी पैर रखता है और पुण्य आत्मा भी रखता है, तो मेरे लिए तो ये मिट्टी ही सबसे पवित्र चीज़ है, तो मैं इसी को जो है ग्रहण कर लेता हूँ। तो वो उसी को, मिट्टी के गुलिया बना के जो है खा जाते हैं कि भाई यही मेरे लिए बहुत है। तो माता प्रणाम करती हैं और जो है अपने पृथ्वी में चली जाती हैं। जब वो मिट्टी खा लेता है बच्चा, बाल रूप में श्री कृष्ण जी खा लेते हैं, तो बाकी औरतें वगैरह देख लेती हैं नज़ारा। उन्होंने ये वार्तालाप नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक लेवल पे, पारलौकिक लेवल पे गतिविधि होती है और सामान्य इंसान नहीं देख सकता। पर जब वो अपनी लीला दोबारा शुरू कर देते हैं एक बाल रूप वाली, तो वो देख लेती हैं कि बच्चे ने मिट्टी खा ली है। तो अक्सर हम, हमारी भौतिक दुनिया में भी अगर कोई छोटा बच्चा मिट्टी खा ले तो हम उसको रोकते हैं ऐसा करने से। तो एकदम वो अपनी, उनकी मैया को बताती हैं कि तुम्हारे बच्चे ने मिट्टी खा ली है। तो नहा के फटाफट तैयार आती हैं और एकदम देखती हैं पूरा मुंह मिट्टी से सना हुआ होता है। तो वो कहती हैं कि भाई अरे इसने तो मिट्टी खा ली, उसका मुंह वगैरह पूछती हैं। तो बाकी कहती हैं इसके मुंह में देखो कहीं इसने बहुत बड़ा मिट्टी का गोला खाया था, शायद इसको लगा कि माखन का गोला होगा तो इस वजह से इसने खा लिया, इसको माखन नहीं मिलता तो इसने शायद मिट्टी के गोले को माखन का गोला समझ लिया। तो वो कहती हैं कि भाई तेरे को पहचान नहीं है मिट्टी के गोले में और माखन के गोले में।
तो फिर भी जो है क्या कहते हैं, वो कहती हैं मुंह खोलो, तो मुंह खुलवाती हैं श्री कृष्ण जी का, तो मुंह खोलते हैं तो एकदम से श्री कृष्ण जी उन्हें वो दृश्य दिखाते हैं जो दृश्य किसी भी साधारण इंसान के लिए, यूं कह लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है देखना। जैसे ही उनका मुंह खुलता है तो वो अपने मुंह, उनके मुंह के अंदर हजारों लाखों ग्रह नज़र आते हैं, सूरज नज़र आते हैं, चांद नज़र आते हैं, दुनिया भर की गैलेक्सीज नज़र आती हैं, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड नज़र आता है, अनगिनत तारे नज़र आते हैं, ब्लैक होल्स नज़र आते हैं, हर जो पूरा यूनिवर्स है, यूँ कह लीजिए पूरा यूनिवर्स उनके मुंह में समाया हुआ होता है जो दिखाई देता है। और ये दृश्य इतना अलौकिक है, इतना कमाल का है और खूबसूरत है और इतना रोंगटे खड़े करने वाला है कि इसकी कोई भी, यूँ कह लीजिए, मतलब कोई शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए। करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद, तारे, ब्रह्मांड पूरा उनके मुंह में होता है जो दिखाई दे रहा होता है। इस दृश्य को देख के एकदम वो हैरान रह जाती हैं, पूरे पसीने पसीने हो जाती हैं, आंखें फटी रह जाती हैं। तब एकदम से श्री कृष्ण जी उन्हें दर्शन देते हैं और उनकी उनको कहते हैं कि आप अपने आप को पहचानो। तो अब उनकी जीव आत्मा का आह्वान करते हैं, तो उनके अंदर से उनकी जो फिजिकल बॉडी है, पंच तत्वों का शरीर है, उसमें से उनकी आत्मा बाहर आती है। तब वो उन्हें बताते हैं कि भाई मैंने तुम्हें अपने इस अलौकिक रूप का दृश्य दिया है जिसमें मैंने तुम्हें दिखाया है कि कैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि सब मैं हूँ। वो उस जब वो मुंह खोलते हैं तो उसमें उन्हें भगवान के पुराने अवतारों के बारे में भी देखने को मिलता है, नरसिंह अवतार भी देखने को मिलता है, हर तरीके के ऐसी ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, पारलौकिक और आध्यात्मिक और यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं जो कोई भी साइंटिस्ट सोच भी नहीं सकता। तब भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये अपना अलौकिक रूप दिखाया है और ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों सूरज, करोड़ों लाखों चांद, करोड़ों गैलेक्सियां सब मुझ में ही समाती हैं और मुझ में से ही निकलती हैं। ये मैं ही हूँ, मेरा ही ये रूप है, मेरे अंदर ये समा जाती हैं, मेरे में से ही निकलती हैं। तो जो भी लोग कहते हैं कि इंसान ने चांद पे कदम रख दिया तो तुम अभी वो वहीं पर टिके हुए हो, अरे बेवकूफों, भगवान ने खुद ये चीज़ स्पष्ट की है कि ये जितने भी हजारों करोड़ों प्लैनेट्स हैं, ये गैलेक्सीज हैं, ब्रह्मांड हैं, ब्लैक होल्स हैं, यूनिवर्स में जितने भी हजारों लाखों तारे हैं, चांद हैं, ये सब भगवान में से ही निकले हैं, भगवान की ही उत्पत्ति हैं। तो साइंस वाइंस का जो तुम डंका बजाते फिर रहे हो, इंसान की औकात भी नहीं है इस बारे में सही जानकारी लेने की। ये सब ईश्वर से ही निकले हुए हैं, ईश्वर ने ही आपको वो कॉन्शियस दी है जिससे आपकी आत्मा थोड़ा बहुत ये ज्ञान बटोर पाई है कि हाँ ये प्लेनेट होते हैं, ये होते हैं। भगवान एक बात और कहते हैं कि तुम कभी भी ज्ञान के माध्यम से मेरे को आसानी से पा नहीं सकते, तुम मुझे कभी नहीं पा पाओगे ज्ञान के माध्यम से। अब बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस खोज में लगे हुए हैं कि वो फाइंड आउट करें साइंस के माध्यम से कि भगवान है कि नहीं, कोई ना कोई शक्ति है कि नहीं, और दुनिया भर की उल्टी सीधी थ्योरी निकाल रखी है उन्होंने कि इतने सारे प्लैनेट आपस में मिल गए, फूट गए तो 10 प्लैनेट और बन गए, वो एटम मिले फिर उससे प्लैनेट बन गए, एटम मिले उससे गैलेक्सी बन गई, वो हुआ ये हुआ, अपनी थ्योरियाँ निकालते जा रहे हैं। पर वो कितनी ही कोशिश कर लें, ईश्वर का जो वास्तविक रूप है, जो उनका स्वरूप है, उसे ज्ञान के माध्यम से, खाली ये इन साइंटिफिक चीज़ों से कभी भी पता लगाया जा ही नहीं सकता। ईश्वर ने कहा मैं वो ज्ञान हूँ जो अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। यू कैन नॉट गो टू एनी कंक्लूजन व्हेन इट कम्स टू गॉड। भगवान की जब बात आती है तो आप कभी भी एक रेखा नहीं खींच सकते कि हाँ यहाँ दी एंड है, कि अब भगवान का पता लग गया है। आप कितने ही घोड़े दौड़ा लो, और इंसानी जो वो है स्पीशीज़, इसकी ना जाने कितनी हजारों लाखों पुश्ते बन के ख़त्म हो लेंगी, तब भी हम कोई भी इतनी उस एंड तक नहीं पहुंच पाएगा जहां हम भगवान के स्वरूप को जान सकें। अब आज भी देखो, अगर हम तरक्की की भी बात करें, जाते भी हैं चांद पे भेजा, मंगल पे भेजा, तो वहाँ से ये थोड़ी सी मिट्टी उठा लाए, वहाँ से तस्वीरें खींच लाए, और कुछ नहीं तो वहाँ देख लिया, हाँ यहाँ पानी आ सकता है कि नहीं, हाँ यहाँ पानी है, पानी वो होगा,
कब वो तुम्हारा नंबर आएगा। यहाँ जाने में ही इन प्लैनेट्स पे 10-10 20-20 साल लग जाते हैं जब जाके वो स्पेसशिप वहाँ पे जाता है, और कोई इतनी वो भी नहीं हुई कि टोली की टोली पब्लिक की जा रही हो और वहाँ पे मकान बना रही हो, रह रहे हो। उसमें भी सिवाय हैबिटेशन के जो आपने पृथ्वी लोक पे करी है, उसके अलावा उससे ऊपर तो आपको आपको कुछ आता ही नहीं करना। और वो भी पता नहीं कब कितनी जनरेशन, कितनी हजारों जनरेशन निकल जाएंगी, जब वो मुकाम आएगा तो आएगा। तो उससे भी ईश्वर को आप नहीं जान सकते, वहाँ से मिट्टी ले आए या वो ले आए। भगवान ने तो वही पंच तत्वों से ही वही अलग दुनिया भर के गोले बना के ब्रह्मांड में डाल रखे हैं। तो ये दावा करने वाले कि दुनिया चांद पे पहुँच गई है, तुम वहाँ पे अटके हो, अरे ईश्वर हमारे तो पता नहीं कितने आगे हैं। तो आप कितने ही घोड़े दौड़ा लो, आप ईश्वर को नहीं मानते, सिर्फ साइंस को मानते हो, तो उसके माध्यम से दलील देके आप चांद पे जाओ, वहाँ से मिट्टी लाओ, मंगल से मिट्टी लाओ, उसमें आप हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दो, हजारों लाखों पूरी वो कर दो, तब भी आप उस ईश्वर की जो पहचान है, ईश्वर की जो वो है, उसको नहीं पता लगा सकते। और ये दावा करने वाले कि ये हाँ सब हमने खोज की है, ये सब ऐसे अपने आप बन गए, भगवान ने खुद कहा है ये चीज़ें मेरे में से निकली हैं, मैंने बनाई है, मैं इनका मालिक हूँ, और मेरे में ही ये समझ आती हैं। अब आप श्री कृष्ण को नहीं मानते तो और बात है, वो आपकी मर्ज़ी है, भाई हम तो मानते हैं। हम तो इतनी इतनी बड़ा कथन, इतना क्लियरली कथन किसी भी मुझे टेक्स्ट बुक में आज तक देखने को नहीं मिला जितना भगवद गीता में मिला है, कि जिस तरीके से स्पष्ट रूप से हर सवाल के जवाब मिले हैं। तब उन्होंने ये चीज़ कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे को जानना है, अगर मेरे को पाना है, अगर और मेरे रूप को जानना है, मेरे पूरे बारे में जानना है, तो सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है भक्ति। तब जो है क्या कहते हैं, माता कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि ज्ञान के माध्यम से आपको पाना और आपके स्वरूप को जानना बहुत कठिन है, और भक्ति के माध्यम से ही आपको जाना जा सकता है। और ये इनकी भक्ति ही थी। तो वो कहते हैं कि पिछले जन्म में आपने घोर तपस्या की थी, ये मैं आपके यहाँ बेटा बन गया हूँ, तो वो भक्ति का ही इनकी घोर तपस्या थी जिसके कारण वो भक्ति सफल हुई और ये ईश्वर के उस विराट स्वरूप को देख पाई, ईश्वर के इस ब्रह्मांड को देख पाई जिसमें हजारों करोड़ों सूरज, हजारों करोड़ों चांद, हजारों करोड़ों गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स सब विचरण कर रहे हैं, और सब ये ईश्वर में से ही, श्री कृष्ण में से ही निकले हैं और उन्हीं में समा जाएंगे। इसका कोई मालिक नहीं है सिवाय श्री कृष्ण के, वही इसके मालिक है, वही इसके रचयिता है। इस पे किसी भी इस अगर आप किसी प्लैनेट की खोज भी कर लेते हो तो ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको जो कॉन्शियस है आपकी आत्मा को, वो भी उसी ईश्वर ने ही प्रदान की है, जिससे आप थोड़ा बहुत ये डिस्कवरी कर पा रहे हो। वो सारी चीज़ें पार्ट और पार्सल ऑफ गॉड हैं, दे आर ऑल बिलोंग्स टू गॉड, सब भगवान को ही, उन्हीं की है। तो इसमें आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर ली। और जो स्पिरिचुअल साइंस है, यानी कि जो भक्ति है जिसके माध्यम से आप ईश्वर को जान सकते हो, उसी का एक हिस्सा है पारलौकिक दुनिया। भगवान जब उनको ये पूरा दृश्य दिखाने के बाद जो अपना रूप दिखाते हैं, उसमें वो डायरेक्ट उनकी जब फिजिकल बॉडी में जब उनकी सोल होती है, तब कम्युनिकेट नहीं करते वो, बाकायदा उनकी जो जीव आत्मा है उसको बाहर बुलाते हैं, तो शरीर को से बाहर आती हैं। तो यहाँ पे पारलौकिक दुनिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये इस्टेब्लिश हो जाता है। भगवान आत्मा से परमात्मा कम्युनिकेट करती है, थ्रू बॉडी वो कम्युनिकेट नहीं करते, उनकी सोल को बाहर बुलाते हैं, वो सोल बाहर आती है बॉडी में से तब कम्युनिकेट करती है। तो यहाँ आत्मा परमात्मा हर चीज़ भगवान ने सिद्ध कर दी कि आत्माएं भी होती हैं, खाली शरीर नहीं है। ये जो आपका पंच तत्वों का बना हुआ पिंजर शरीर है, हड्डी मांस का ये पुतला ऐसे ही नहीं चल रहा, इसमें आपकी आत्मा है जो इसको चला रही है। आपकी आत्मा निकल जाएगी ये ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। तो वो उनकी आत्मा को बाहर बुलाते हैं, आत्मा की होने की पुष्टि भी उन्होंने कर दी, ये भी पुष्टि कर दी कि साइंस वगैरह जितने भी प्लैनेट्स, यूनिवर्स सब उन्हीं में से निकले हैं, उन्हीं में विलीन हो जाएंगे, उन्हीं के द्वारा चल रहे हैं, वही संचालित कर रहे हैं, सब कुछ वो हैं। और उनको जानना है, इस उनके पूरे ब्रह्मांड को जानना है, उनकी पूरी लीलाओं को जानना है, उनके पूरे ज्ञान को जानना है, तो उसका माध्यम भक्ति है। अगर आप सोचते हो अहम में, घमंड में, कि आप चार किताबें पढ़ के, रिसर्च करके उस ईश्वर के अस्तित्व को जान लोगे, उस ईश्वर को जान लोगे, उसको खोज लोगे, तो वो नहीं है पॉसिबल। बहुत लोग लगे हुए हैं जानने में कि हम साइंस के माध्यम से ईश्वर की खोज करेंगे, उस शक्ति की, तो आप थ्योरीज घुसाते रहो। और जो लोग इस बात का घमंड करते हैं भाई दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप चांद पे ही पहुंचे जाओ बस, उससे ऊपर आगे आप जा भी नहीं सकते। और वो भी वो पहुंचे जिन्होंने बहुत एक्सट्रीम मेहनत करी, तब वो पहुंचे, उन्होंने इतनी डिस्कवरी की। उछल आप ऐसे रहे हो जैसे आपने ही वो थ्योरी लिखी थी वहाँ चांद पे जाने की।
तो ऐसे लोग जो हैं खुद स्पिरिचुअली भी जीरो हैं, और अगर साइंटिफिकली बात भी करें तो अगर इनसे मैं थ्योरी पूछूं जो कहते हैं दुनिया चांद पे पहुंच गई, आ वहाँ पहुंच गई, आप ये वो कर रहे हो, तो मैं चांद के बारे में कख नहीं पता होगा। अगर मैं आज ब्रह्मांड से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड कोई क्विज हो जाए, कोई सवाल तुमसे पूछ लिया जाए, यही पूछ लिया जाए कि चांद का कितना उसका एरिया है, क्या चांद पे किस तरीके का क्लाइमेट है, चांद पे किस तरीके की मिट्टी है, उसमें कितने केमिकल्स हैं, तुम गोल हो जाओगे, बट्टा गोल। तो जब तुम्हें नॉलेज ना साइंस की है ना स्पिरिचुअल साइंस की है, तो तुम आइंस्टाइन या कोई भी बड़े साइंटिस्ट की तरह एक्ट क्यों करते हो? मैक्सिमम लोगों के साथ क्या दिक्कत है, उन्हें सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना है। जब भी कोई बात हो रही होती है, कोई भी बंदा आपको कोई नॉलेज दे रहा है, तो जस्ट टू लेट हिम डाउन आपको आर्ग्यू करना है। जहाँ पे बात पारलौकिक दुनिया की आती है, भूत प्रेतों की आती है, आत्माओं की आती है, उसको रोकने के लिए कह दो साइंस, और जहाँ बात साइंस की आती है वहाँ तुम वैसे ही जीरो। साइंस का एक पेपर भी दे दोगे, साइंस का एक ब्रह्मांड से रिलेटेड कोई सवाल भी पूछ लो, तब अपने डब्बा गोल। तो जब दोनों में ही फेलियर हैं लोग, तो फिर बहसबाजी पे किस लिए उतरते हैं? आज की वीडियो में मैंने यही बताया श्री कृष्ण ने किस तरीके से इस बात की पुष्टि करी है। अब आप नहीं मानते श्री कृष्ण को, तो कह दो हम भगवद गीता और श्री कृष्ण को नहीं मानते, हम सिर्फ साइंस को मानते हैं, कह के दिखाओ ये बात। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनसे यही विनती है कि वो अपने भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, और वो इतनी आर्ग्यूमेंट, जितनी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट करते हैं चैनल पे लिखने में, उतनी एनर्जी अगर अपने ऊपर वेस्ट करोगे तो जीवन में बहुत तरक्की कर लोगे। तो यहाँ पे इस पूरे वाक्य से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली। फिर आगे वो कहते हैं यशोदा मैया को कि भाई आप जो है क्या कहते हैं, वो कहती हैं कि मैं पहले तो माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये मेरा बेटा है, तो मैं तो हर तरीके से आप पे को बांध भी देती थी, आपको डांट भी देती थी। तो वो कहते हैं कि तुमने जो मांगा मुझे पुत्र रूप में, वो मैं तुम्हें मिला, और तुम ये जो लीला है मेरी इसको चलने दो, अपने जो माँ बेटे का खेल है ये चलने दो, और यही तुम्हारी सच्ची साधना होगी जिसके ख़त्म होने पर तुम मुझे पालोगी। तो वो ये ऐसा कह देते हैं, और जब वो फिर जो है वहाँ से चले जाते हैं, तब जो है माया देवी प्रकट होती हैं, यानी कि द गॉडेस ऑफ इल्यूजन। जो ये माया है, जो ये सब हम सोसाइटी, पैसा, दौलत, रिश्ते नाते, ये सब जो चीज़ हमार को जो मोह बंधन में पकड़े रखती है, हमारी आत्मा को उस ईश्वर तक नहीं जाने देती। हम भौतिक दुनिया के लालच में ज़मीनों के, पैसे के, गहनों के, माँ बाप के, रिश्तों के, लवर्स के, सेक्स के, इन चीज़ों में जो हम पड़े रहते हैं पागलों की तरीके से, हमारी आत्मा पड़ी रहती है द्वेष के, लड़ाई के, झगड़े के, आर्ग्यूमेंट्स के, और ये सारी चीज़ों में जो हमारी आत्मा पड़ी रहती है वो उस माया की वजह से ही पड़ी रहती है, ताकि हम इसी चीज़ों में हमारी आत्मा अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी जर्नी वेस्ट कर देती है, और जो मेन मकसद है ईश्वर को पाने का, इस धरती पर आने का, वो ही भूल जाती है। तो ये सब माया का कमाल होता है, द पावर ऑफ इल्यूजन। तो माया देवी प्रकट होती हैं, वो कहती हैं कि अब आप अपने शरीर में प्रस्थान करेंगी, और मैं दोबारा अपना माया का जो रूप है, जो माया की लीला है, वो आपके ऊपर हावी कर दूंगी, वो माया पूरी दोबारा से रच दूंगी। उसके बाद आपको कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। जो भी अभी आपको ज्ञान मिला है, ये ज्ञान आपकी जीवात्मा में, आपकी आत्मा की गहराइयों में, सूक्ष्म अवस्था में स्थिर रहेगा, जो बाद में आपको, जब आप ईश्वर में जाके मिलोगी, तब आपके लिए आपको मदद करेगा वहाँ तक जाने के लिए। पर आप इस ज्ञान को पब्लिकली प्रकट नहीं कर पाओगी। यहाँ पे भी हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि ईश्वर की, जो लोग दावा करते हैं कि हमने जीसस को देखा, हमने गुरु नानक को देखा, हमने भगवान को देखा, हमने इसको देखा, ये गए हम वहाँ चले गए भगवान के उसमें, फिर भगवान ने ये कहा, उन चीज़ों में कितनी वास्तविकता, आई डोंट नो। मैं ये नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, पर जो सही मायने में ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का सही स्वरूप है, ईश्वर की पूरी जो जानकारी है, वो कोई भी इंसान इजीली आपको पब्लिकली नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर को जानना ही, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानना और जानना, ये सिर्फ कर्मों पर डिपेंड करता है। इतने सारे प्राणी जो मिक्स हैं, जिसमें पापी भी हैं, नॉर्मल आत्मा भी हैं, पुण्य आत्मा भी हैं, घोर पापी भी हैं, इस तरीके से तो सारे ही पात्र बन जाएंगे ईश्वर को जानने के। फिर कर्म बंधन का खेल कहाँ रहा? आपके कर्म इतने अलौकिक हों, इतने अच्छे हों, इतनी ज़्यादा आपकी भक्ति हो, तब आप उस ईश्वर तक पहुंच पाते हो। जिस तरीके से यशोदा मैया ने पिछले जन्म में तपस्या की थी घोर, यू सी द लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड पैशन
पिछले जन्म की घोर तपस्या अगले जन्म में रंग लाई। तो आप देखिए कितना लंबा सफर उनकी आत्मा ने तय किया ईश्वर को पाने के लिए, और उस ईश्वर के ज्ञान को पाने के लिए, और उस ईश्वर के ज्ञान को और ईश्वर को पा के वो पूरा ज्ञान ऐसे ही पब्लिक हो जाएगा। तो फिर बाकी लोगों तो ज़्यादा से आने रहे ना, उन्होंने कोई पूजा की ना तपस्या की ना कोई वो करा, किसी भी तरीके की डेडिकेशन की ना किसी भी तरीके का ऐसा कर्म किया जिससे वो भगवान को पा सके, और बस पा लिया। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो पात्र है उसी को मिलता है ये। तो इसीलिए वो माया देवी ने कहा कि मैं आपके ऊपर माया का वो डालने जा रही हूँ, ताकि ये पूरा ज्ञान, ये ईश्वर का स्वरूप आप किसी को बता ना सकें और ये प्रकट कभी ना हो, ये आपके आत्मा की गहराइयों में ही रहेगा। और वो वापस अपने पुनः शरीर में लौट जाती हैं। तो इस पूरे वाक्य से हमें इतनी बातें सीखने को मिली। पहला कि आत्मा का कॉन्सेप्ट होता है, जो भगवान ने बाकायदा यशोदा मैया की आत्मा को शरीर से बाहर निकाला, जीवात्मा को, ये पूरा वार्तालाप बताने के लिए। दूसरा, ये जितने भी चांद तारे सूरज करोड़ों तारे, पूरा ब्रह्मांड, ब्लैक होल, सब ईश्वर में से निकले, ईश्वर में ही समा जाएंगे। उसके अलावा भगवान ने ये भी बता दिया कि ज्ञान के माध्यम से, खाली साइंस के माध्यम से मुझे नहीं आप पा सकते, मुझे नहीं जान सकते, मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते, क्योंकि मेरा ज्ञान अनंत है, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है। आप कभी भी वो लाइन नहीं खींच सकते कि यहाँ हमारी ज्ञान की या नॉलेज की वो ख़त्म होती है, क्योंकि जब भगवान को जानने की कोशिश करोगे तो सभी सीमाएँ टूट जाएंगी। और उसके अलावा भगवान ने ये भी कहा कि सिर्फ भक्ति के माध्यम से तुम मुझे पा सकते हो, जान सकते हो। और भक्ति भी यशोदा मैया की, देखो पिछले जन्म की भक्ति, इतनी घोर तपस्या जो इस जन्म में फ्रूटफुल हुई है। तो अगर आप इस जन्म में दुनिया भर की पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो जो सही हैं, और आप कहते हो हमें भगवान नहीं मिला, हमें दर्शन नहीं हुए, हमें कोई अच्छा नहीं हो रहा, क्या पता ये पूरा समय आपका निकल रहा है, और क्या पता किस जन्म में आपको उस ईश्वर से मिलन हो, आप नहीं जानते। तो ये इस बात की शर्त मत रखो कि आपने आज पूजा की तो आज ही भगवान मिलना चाहिए, आपने आज अच्छा कर्म किया तो आज ही आपके साथ अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कब आपके वो स्तर आ जाएगा जब आप उस परमात्मा में विलीन होने लायक आपकी आत्मा हो जाएगी, वो स्तर हो सकता है कई जन्मों बाद आए, हो सकता है वो प्रेत योनि के बाद ही आ जाए, कुछ नहीं पता। तो ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए साधारण कर्म नहीं करने होते, असाधारण कर्म करने होते, ऐसे कर्म जिनकी यूँ कह लीजिए आप बड़ाई करते करते थक जाओ, पर वो आप जो है जवान थक जाए, पर उस इंसान के जो कर्म है वो ऐसे हों कि ईश्वर को भी मजबूर कर दें। तो वही वो सारी चीज़ें। तो यही कहूँगा साइंस के भक्तों से कि साइंस भी ईश्वर में से ही निकली है, आप भी एक आत्मा हो, और आपको ये कॉन्शियस या किसी को भी ये कॉन्शियस ईश्वर ने ही दिए, जिससे आप थोड़ी बहुत भगवान की बनाई हुई इन क्रिएशंस को डिस्कवर कर सको, वो भी भगवान की बनाई हुई है। यू आर नॉट डिस्कवरिंग एनीथिंग, आपको सिर्फ इनके बारे में जानकारी मिल रही है मेहनत से। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर से ऊपर हो गए। तो भगवान ने आत्मा होने की भी पुष्टि की, करोड़ों सूरज चांद सितारे ब्रह्मांड की भी पुष्टि की कि सब उनमें से निकले हैं, और ये भी पुष्टि की कि ज्ञान से उनको नहीं पाया जा सकता, उनको नहीं जाना जा सकता, भक्ति से ही जाना जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, और जो भी भाई मेरे ये बकवास लाइन लिखते हैं कि दुनिया चांद पर पहुँच गई आप वो कर रहे हो, तो ये कोई भ्रम नहीं है। आत्मा होने का स्वरूप कि आप भी एक आत्मा हो, मैं भी एक आत्मा हूँ, हर कोई आत्मा है, इस सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। और एक बात और बताऊं, जब आप मरोगे ना, तब आप मरने से पहले अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं मानते तो अपने घर वालों को कह देना कि आपकी आत्मा की शांति का पाठ ना कराएं, आपका पिंडदान ना करें, आपका कोई संस्कार ना करें, क्योंकि आप भी मरने से पहले ये चाहोगे कि आपका विधिवत संस्कार हो, ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले, आपका ढंग से पिंडदान हो, आपके सारे वो कर्म हो संस्कार के जो हों, और वो सारे संस्कार के कर्म क्यों किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिले। और तब आप कह रहे हो आत्मा को शांति मिले, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं इस बात पे भी एग्री कर रहे हो कि आप भी एक आत्मा, और आपके शरीर खत्म हो गया और अब आपकी आत्मा बाहर निकल रही है। आपके परिवार वाले भी ये बात मानते हैं, और उसके बाद भी अज्ञानता में आप इस चीज़ को, इस पारलौकिक दुनिया को, आत्माओं को, भूत प्रेत को, इनको ठुकराते हो, इनको मना करते हो कि ये नहीं होता, तो या तो आप बेवकूफ़ हो या जरूरत से ज़्यादा सियाने हो, या आपकी जलन आपको मजबूर कर देती है कि सामने वाला ये ज्ञान दे रहा है तो उसकी मुखालफत करो। और जो लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होता, आत्मा होती है, हम भूत प्रेत नहीं, उन बेवकूफ़ को ये नहीं पता, आत्मा एक, हमने कॉन्सेप्ट जो बोला है आत्मा का, लोगों के कुछ के लिए वो भूत प्रेत है, कुछ के लिए वो पित्तर है, एक आत्मा है। अगर वो किसी के घर की है
तो हम उसके घर वाले उसे पितर बुलाएंगे। आप उस आत्मा को नहीं जानते, सड़क पे घूम रही, आप पे चढ़ गई, आप उसको भूत प्रेत बुलाओगे। हालांकि इनके प्रकार भी होते हैं, पर मोर और लेस ये सेम ही होती हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिले, यानी कि पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को इस बात का भ्रम उतरे कि जो है पारलौकिक दुनिया नहीं होती, या भगवान नहीं होते, या साइंस ही सब कुछ है। तो ये भ्रम दिमाग से निकले, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिविटी है, कैसा भी कोई संकट है जो ब्लैक मैजिक से, भूत प्रेत से, आत्मा से रिलेटेड है, तो आप ज़रूर मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए, और यहाँ पे से मेरी धुनी मंगवाइए, सुपर स्पेशल प्लैटिनम मंगाइए, या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा मंगाइए, या सुपर सुपर प्लैटिनम धुनी मंगाइए। यकीन मानिए, ज़िंदगी बेहतरीन होती चली जाएगी, हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा जीवन से निकलती चली जाएगी। हाय है, टोक है, नज़र है, काला जादू है, 10 साल पुराने प्रेत रोगी हो, 20 साल पुराने हो, शरीर में है, खिलाया हुआ है, जिन्न है, ब्रह्म राक्षस है, एनी काइंड ऑफ स्पिरिट, चाहे घर हॉन्टेड है, चाहे काम धंधा नहीं चल रहा, चाहे फैक्ट्री नहीं चल रही, कोई भी इशू है, आप मेरी धुनी घर में जलाइए, काम बनने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। क्योंकि ये टोक काटेगी, नज़र काटेगी, हाय काटेगी, हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा को काटेगी। जैसे ही वो कटेगी, काम बनने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स दूर होने शुरू हो जाएंगी। शरीर में प्रेत है तो निकलना शुरू हो जाएगा, उसके लिए शरीर में टिकना मुश्किल होगा। मेरे द्वारा अभी मंत्रित लॉकेट और कवच ज़रूर मंगाइए। नॉर्मल रोग है, ज़्यादा पैरानॉर्मल कॉन्सेप्ट में अगर हम जाएँ तो भूत प्रेत एक ही है, या कोई ज़्यादा गंभीर नहीं है, तो आप लॉकेट मंगाइए। अगर डिमोनिक एनर्जी है बॉडी में तो कवच मंगाइए, तो आप पहन देंगे, आपकी रक्षा होनी शुरू हो जाएगी। तो मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होते हैं जो आपको सारा कुछ गाइड कर देंगे, मैं नहीं होता हूँ इस लाइन पे। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इसी नंबर पे आपको एग्जीक्यूटिव से कॉल कंसल्टेशन बुक करनी पड़ेगी। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। ईमेल एड्रेस pulkitsingla901@gmail.com पे, इस पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल मैं खुद पढ़ता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।